हम शाम को रुख करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जालोर से उनकी मौजूदगी है और शाम से हम जानेंगे कि जालोर में अभी क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं। शाम देखिए मनी, जालौर की बात करें तो जालौर के अंदर आज सवेरे से अनिश्चितकालीन जो हड़ताल का असर है वो साफ तौर से पेट्रोल पंप पे दिखाई दे रहा है। अमूमन सभी पेट्रोल पंप पे ताला लटका है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंतजार करने के बाद वो यहाँ से खाली हाथ लौट रहे हैं। आप लोग तेल भरवाने आए लेकिन हड़ताल है, कितना असर? हड़ताल का काफी असर रहा है। अभी पेट्रोल के नहीं मिलने से आने जाने में असुविधा होती है। हम काज में कैसे तो जाए दूर अब तो गवर्नमेंट अनिश्चितकालीन है, ऐसे में बड़ी समस्या हो चुकी है। से है कि जो भी इनकी मांग हो वो मांगे और जल्द से जल्द पेट्रोल पंप खोले जिससे हमारे असुविधा ना हो और हमारे आने जाने में साधन चलते रहे। देखिए मनी, जो यहाँ पर तेल भरवाने आ रहे हैं उन लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए ऑटो रिक्शा संचालक है, वो सवेरे से ही कतार में खड़े थे लेकिन यहाँ तेल नहीं मिलने की वजह से ये जो चालक है वो यहाँ से निकल गए। जब हमने पहले उनसे बात करने के प्रयास किया था कि तेल खत्म हो चुका है, ऐसे में जी ऑटो रिक्शा को इसी पंप पे छोड़ करके वो वापस रवाना हुए। यानी कि तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना आज सवेरे से ही लोगों को करना पड़ रहा है। लोगों का ये मानना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चलने के चलते अगर सरकार इसके साथ जो वार्ता करके उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर विचार करना चाहिए। ऐसे में आमजन है उसे खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सवेरे से ही। हालांकि जब सवेरे सवेरे जिन लोगों को पता नहीं था वहां वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी लेकिन जैसे जैसे जो पूरी जानकारी मिलने के बाद अब लोग पंपों पे कम रुक रहे हैं और यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है इसको लेकर अब कहीं ना कहीं आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पंप संचालक है, आप यहाँ पंप से हैं, किस तरीके से लोगों की कितनी भीड़ हो रही है सुबह से? सुबह हाँ बहुत लोगों को भीड़ थी, बहुत लोगों की भीड़ थी। अच्छा, तो कुछ वार्ता वगैरह हो रही है क्या? जो चल रही है अभी तक कोई हमारे पास कोई आया नहीं मैसेज। अच्छा, चल रही है। तो आप लोगों को सुबह से बिल्कुल ही बंद कर दिया आप तेल भरवाने का? कल 2 दिन तो था वो 6 बजे बाद खोल रहे थे, अब बिल्कुल नहीं? 2 दिन तो था, सुबह 11 से दोपहर 6 बजे तक, और आज सुबह 6 से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। कब तक चलेगी उसका कोई फाइनल नहीं। आज जो कंपनियों के साथ वार्ता है उसका कोई नतीजा नहीं निकला? अभी तक कोई नतीजा आया नहीं, निकल तब रही बात। देखिए मैंने ये जो पंप पे कार्मिक है उनका कहना है कि अभी तक किसी भी प्रकार का नतीजा नहीं निकला है जिसके चलते अब अनिश्चितकालीन कब तक हड़ताल रहेगी इन तमाम चीजों को लेकर अब स्पष्ट नहीं है। लेकिन आम जन को सवेरे से ही खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को वाहनों को छोड़कर निकलना पड़ रहा है तो वहीं हॉस्पिटल आने वाले या रेलवे स्टेशन या बस डिपो जिन लोगों को आवागमन के अंदर सबसे बड़ी परेशानियों का सामना ये करना पड़ रहा है कि वो लोग मैं तो कहीं पर जा पाते, ऐसे में कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि अगर गाड़ी के अंदर तेल कम है तो वो अपनी निश्चित दूरी तय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे में लगातार आमजन है, परेशान है और सरकार से वार्ता को लेकर तमाम प्रकार के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन डीलर्स की जो हड़ताल है वो जल्द टूटेगी और आमजन को राहत मिलेगी। जी मनी, लेकिन जानकारी तो शाम ये सामने आ रही थी कि अलवर हो गया, धौलपुर हो गया, जालोर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, यहाँ पर तो असर नजर नहीं आएगा हड़ताल का। लेकिन तस्वीरें तो आप दिखा रहे हैं कि यहाँ तो बंद है पेट्रोल पंप, यहाँ पर तो मिल ही नहीं रहा पेट्रोल डीजल। देखिए मनी, इसमें दो दो फाट थे। कल शाम से यही चर्चाएं चल रही थी कि कुछ जगहों पर जो ये हड़ताल नहीं रहेगी और दो दो धड़ों के बीच में इसका वार्ता हो सकती है। ऐसे में जो नायरा और रिलायंस के पंप है वो इस संगठन में शामिल नहीं है। बावजूद उसके जो सांकेतिक रूप से इन लोगों का समर्थन किया जा रहा है इसके चलते अमूमन जो पंप है वो बंद है। क्योंकि कल जिस तरीके की वार्ताएं थी कि कल कुछ हिस्से है जो दो भाग की वजह से कुछ जगहों पर खुले रहेंगे, कुछ जगहों पर बंद रहेंगे, लेकिन आज सवेरे से ही अमूमन जालौर जिले के अंदर देखा जा रहा है कि सभी पंप बंद है। लेकिन दोपहर बाद में क्या स्थिति होती है ये देखने की वाली बात है। लेकिन अभी तक जो पंप है वो लगातार खुले ही नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। पेशाब ऑटो संचालक है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। पंप बंद है, ऐसे में कैसी समस्याएं आ रही है? समस्या तो आ रही है, समस्या का मीटिंग कैसे कराए, कैसे नहीं कराए। अब तेल कितना बचा है अंदर? अभी तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर तेल बचा है। हाँ, तो फिर अगर ये आज हड़ताल नहीं खुलती है तो फिर घर पे उनका करना पड़ेगा, कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, रोटी बंद हो जाएगी, रोटी बंद हो जाएगी। देखिए इन लोगों के लिए रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ऑटो संचालकों का ये कहना है कि अगर आज शाम तक ये हड़ताल नहीं टूटती है तो जिन लोगों के पास तेल था वो खत्म हो जाएगा
ऑटो संचालकों का ये कहना है कि 1.5 लीटर ही तेल बचा। ऐसे में कुछ ऑटो संचालक तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ऑटो रिक्शा को यहीं पर छोड़ करके चले गए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की स्थितियां बन रही है राजस्थान के। अमूमन सभी सोशल तरीके का जो तस्वीरें है वो NDTV ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास करेगी, किस तरीके की जो समस्याएं है आमजन को उठानी पड़ रही है, लोगों को तेल नहीं मिल रहा है। इस समय पेट्रोल एसोसिएशन की ओर से जो आह्वान किया गया है उसका कितना असर रहेगा ये देखने वाली बात होगी। जीवनी, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर गए हैं तमाम पेट्रोल पंप संचालक, तो अगर मैं बात करूं यहाँ जालौर में आप मौजूद हैं शाम, तो क्या यहाँ के लोग अभी भी वही पड़ोसी राज्यों में जाकर पेट्रोल भरवा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं? निजी तौर से बनी है ये जो जालौर और सांचौर दो जिले हैं, सांचौर से मोहित बोर्डर है वो गुजरात राज्य 5 से 7 किलोमीटर। ऐसे में सांचौर जिले के जो भी लोग हैं वो गुजरात में जाकर के तेल भरवाना शुरू कर चुके हैं, गुजरात से तेल सप्लाई आना शुरू हो चुका है। तो वहीं जालौर जिले की जो बॉर्डर है वो काफी दूर है, ऐसे में यहाँ पर लोग आज शाम तक इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद विकल्प के तौर पर पड़ोसी राज्य में जाना पड़ेगा। क्योंकि हालांकि जालौर जिला मुख्यालय से गुजरात की दूरी ज्यादा है, ऐसे में शाम तक ये इन लोगों को भी जाना पड़ सकता है। लेकिन सांचौर से सीधी तरीके से सवेरे से ही तस्वीरें आने लगी हैं कि गुजरात से लोग तेल भरवाने के लिए जा रहे हैं और वहां से ही तेल जो है मंगवाया जा रहा है। ऐसे में जो इन एसोसिएशन के जो तमाम पदाधिकारी उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि अगर वेट घटाने को लेकर सरकार कोई वार्ता नहीं करती है, किसी भी प्रकार का उनका समझौता नहीं होता है, तो यह अनिश्चितकालीन जारी रहेगी हड़ताल और इसका साफ तौर से आम जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी तस्वीरें आज सवेरे यानी आज पहला दिन है इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके के हालात बन चुके हैं। ऐसे में और आगे किस तरह के हालात बनेंगे ये जानकारी मैं आपसे लूंगी। शाम बने रहिए नवीन मेरे।